वीडियो में मैं कोई बकवास नहीं करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। दोस्तों, अगर आप फैक्ट टेक की वीडियो को देखते हो तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, उनके पीछे बैकग्राउंड में लगाई है वॉलपेपर। जब से राजेश कुमार ने, जो कि फैक्ट टेक चैनल के ओनर है, उन्होंने अपना फेस कैम वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तब से उनके पीछे यही वॉलपेपर लगा है। बीच में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने फैक्ट टेक की वीडियो कभी नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी वीडियो को जरूर देख लेना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आप उनकी वीडियो पहले से ही देखते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। सो अब आते हैं फैक्ट टेक के वॉलपेपर पर कि आखिर उन्होंने अपने बैकग्राउंड में लगाने के लिए यही वॉलपेपर क्यों चुना। वो कोई और भी वॉलपेपर या एक प्रोफेशनल सा स्टूडियो भी बना सकते थे, पर यही वॉलपेपर क्यों? दोस्तों, आपको पता होगा वो अपने हर छोटी से छोटी चीज़ को साइंटिफिक, साइकोलॉजिक और भी कई तरीकों को ध्यान में रखकर करते हैं, और यही ध्यान उन्होंने अपने वॉलपेपर में भी दिया है। उन्होंने अपने पीछे लगा वॉलपेपर काफ़ी सोच समझ कर लगाया है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पीछे जो वॉलपेपर लगाया है वो असल में वॉलपेपर है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो वॉलपेपर है ही नहीं, असल में वो एकॉस्टिक पैनल है। दरअसल एकॉस्टिक पैनल को ज़्यादातर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़, जैसे कि जहाँ पर गाना रिकॉर्ड किया जाता है या फिर जहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग का काम होता है, वहीं पर दीवार में चिपकाया जाता है। इससे आउटपुट ये मिलता है कि आवाज़ में आने वाली नॉइस और इको दोनों ही ख़त्म हो जाती है और आवाज़ बिल्कुल क्रिस्पी और क्लियर रिकॉर्ड होती है। और इसलिए फैक्ट टेक ने अपने पीछे ये एकॉस्टिक पैनल लगाया है, क्योंकि उनकी वीडियो में उनकी आवाज़ ही मेन होती है, इसलिए वो इसका यूज़ करते हैं। अब तो ये बात हुई साउंड क्वालिटी की, लेकिन विजुअली वीडियो हम पर क्या इम्पैक्ट डालती है, मतलब कि जब हम उनकी वीडियोज़ को देखते हैं तो हम पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एकॉस्टिक पैनल के कलर की। फैक्ट टेक ने अपने एकॉस्टिक पैनल के लिए रेड कलर चूज़ किया है। आपको पता होगा रेड कलर का वेवलेंथ सभी कलर से ज़्यादा होता है, इसलिए रेड कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, जिससे उनके वीडियोस देखने में काफ़ी यूनिक लगती है। अब बात करते हैं इस पैनल के डिज़ाइन की। वैसे तो सभी एकॉस्टिक पैनल की डिज़ाइन एक जैसी ही होती है, पर यह वीडियो देखने वालों पर काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। जब हम वीडियो के साथ साथ पीछे एकॉस्टिक पैनल को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, जो कि हमारे मूड को थोड़ा एनहेंस कर देता है और हमें एनर्जेटिक कर देता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले इस सिंपल सी प्लेन इमेज को देखो। अब इसे देखो, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि क्या होता है, और ये हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना आपको फैक्ट टेक की वीडियो कैसी लगती है। अगर आप फैक्ट टेक की वीडियो कभी नहीं देखे तो एक बार उनकी वीडियो जाकर जरूर देखना। वैसे मैं भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस बनाता हूँ, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।